और आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं पास हैं, नजदीक हैं। आप लोग जितना भी पढ़ाया गया है उसको रिपीट करिए, लगभग लगभग आपको काफी कुछ पढ़ा दिया गया है ना। तो आइए, आज का टॉपिक जो है सौर ऊर्जा, उसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, है कि नहीं? सूर्य द्वारा जो हमें ऊर्जा, सूर्य जो है उसके द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सभी लोग जानते होंगे, किंतु इसमें क्या होता है कि सूर्य द्वारा जो हमें ऊर्जाएं है ना, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है ना। सूर्य के जो किरण होते हैं उनके द्वारा हमको ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो किस प्रकार इसको करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड की रेट से चलती हैं, गमन करती हैं, जैसा कि हमने क्लास में भी आपको बताया था। और यह जो सूर्य की किरणें होती हैं, यह फोटान के बंडल होते हैं, जैसा कि सबको पता होगा। तो सूर्य द्वारा ऊर्जा जो हमें प्राप्त होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। सूर्य जो सन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है वह बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और सूर्य जो है वह काफी मात्रा में अपने अंदर ऊर्जा को समाहित किए हुए है, और वह बहुत बड़ा ऊर्जा का क्या है? स्रोत है, जिसकी सहायता से हम लोग ऊर्जा एनर्जी को ताप के रूप में लेकर उसको स्टीम के द्वारा टरबाइन को चला के हम लोग क्या करेंगे? भाप द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सूर्य की ऊष्मा से बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा में हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य से लगभग 1.48×10^-27 किलो जूल ऊष्मा प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना जूल ऊष्मा उससे निकलती है सूर्य से? 1.48×10^27 किलो जूल। तो आप समझ सकते हो बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित होती है किससे? सूर्य से। और इसके द्वारा ये जो प्रति घंटा उत्पन्न हो रही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, इसके द्वारा अगर हम लोग बिजली बनाएंगे तो कितना बनाएंगे? 4×10^23 किलोवाट प्रति आवर इससे बना सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में इससे एनर्जी हमको प्राप्त हो सकती है। और आप देख सकते हैं, शक्ति विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना दूर पे है? 1.5×10^8 किलोमीटर की दूरी पे, लगभग लगभग, ये एक्चुअल नहीं है, लगभग इतनी दूरी पे स्थित है। फिर भी वहां से किरणें तीव्र गति से अल्ट्रावायलेट आती हैं, जिसके कारण हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जैसा कि फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया गया है, किस प्रकार से सूर्य द्वारा ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। तो देखिए आप, जैसा कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के द्वारा प्रकाश पड़ती है, एक लेंस पे हम लोग गिराते हैं। यह किस प्रकार के लेंस होता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जिस पर यदि प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से गिरेंगी, तो उस पे गिरने के बाद जिस पॉइंट पे कलेक्ट होंगी सब एक ही बिंदु पर कलेक्ट होके गिरेंगी। इससे क्या होगी? इससे ऊष्मा अधिक मात्रा में हमको प्राप्त होगी। अलग अलग फैल के अलग अलग दूर स्थानों पे गिरेंगी तो क्या होगा? ऊष्मा हमें कम प्राप्त होगा। जैसा कि हम लोग बचपन में एक लेंस लेके हम लोग कागज के टुकड़े को जलाया करते थे, क्या होता था? उस पे प्रकाश पड़ता था सूर्य का, जिसके कारण उस लेंस पे वह लेंस क्या रहता था? वही अभिसारी लेंस रहता है। अभिसारी लेंस के द्वारा जब वो गिरता है प्रकाश, तो कलेक्ट होके एक स्थान पे लगता था, जिसके कारण हम लोग देखते थे कि कागज में क्या होता था? आग लग जाता था। तो वही चीज है, यहाँ पे कलेक्ट करके एक जगह प्रकाश की किरणों को, फोटान के बंडलों को कलेक्ट किया गया, जिसको ऊष्मा के रूप में भट्टी में लाया गया, है ना, जिसके कारण बॉयलर है, बॉयलर में क्या होगा? गर्म होगा, पानी रखा रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? स्टीम बनेगा, उष्मा स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, और वह भाप टरबाइन में जाएगा, जिसके कारण टरबाइन क्या करेगा? घूमेगा। इसमें कंडेंसर भी लगा रहता है, इसमें पंप भी लगा रहता है। पंप क्यों लगा रहता है? यह पानी को सर्कुलेट करने के लिए लगा होता है, जिसके कारण क्या
कूलिंग प्वाइंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हीट वाला काम है, तो भाई किसी का भी टेम्परेचर निर्धारित होता है, हो सकता है किसी कारणवश टेम्परेचर अधिक हो जाए तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो जो कूलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं किससे, पंप के द्वारा करते हैं। इसमें संघनित्र भी, कंडेंसर भी लगा होता है ठंडा करने के लिए। इसके बाद यह स्टीम क्या होगा, विद्युत जनरेटर को टर्बाइन की सहायता से विद्युत जनरेटर को घुमाएगा, जिसे अल्टरनेटर हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो उसको घुमाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फैराडे के नियमानुसार फ्लक्स कट होगा, है ना, फ्लक्स कट होगा तो क्या होगा, ईएमएफ, एक विद्युत वाहक बल या वोल्टेज उत्पन्न होगी, जिसके कारण क्या होगा कि करंट आ जाएगी, इसके कारण विद्युत सप्लाई आपको मिलने लगेगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से सूर्य द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, है ना। अथवा इसी प्रकार से ये मान लीजिए टर्बाइन अल्टरनेटर के द्वारा आपने उत्पन्न कर लिया, अथवा हम लोग जैसे आप लोग जानते हैं सोलर पैनल लगा के सोलर सेल में विद्युत को सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को भी संचित किया जाता है कि नहीं। बहुत लोगों के घर में, गांव बगल में आपके लगा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें क्या होता है, प्रकाश जो है सूर्य से लेंस पे गिराया जाता है, सोलर पैनल लगा रहता है कि नहीं लगा रहता ऊपर, तो उस पे गिराया जाता है, जिससे क्या वो क्या करता है, फोटॉन के बंडल के कणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेगा तो वह उष्मा के रूप में परिवर्तित होंगे, जिसके कारण उसमें सेमीकंडक्टर का वो बना होता है सोलर पैनल। हमने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया था, यह इलेक्ट्रिकल में भी था, सोलर पैनल के बारे में लास्ट चैप्टर में था। तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स रहते हैं, तो उनमें जब उष्मा का संचार होता है फोटॉन के कणों के कारण, तो वो लोग गति करने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गति किया तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी उसके विपरीत में, जिस दिशा में गति करेगा उसके विपरीत दिशा में, वह विद्युत धारा हम लोग क्या करते थे, सोलर सेल में कलेक्ट कर लेंगे, है ना, उसमें कलेक्ट कर लेंगे, जब उसको उपयोग करना होगा तो करेंगे। तो इस प्रकार से भी आप विद्युत ऊर्जा को सूर्य के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, दोनों विधियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो विधियों द्वारा हम लोग सीखे कि किस प्रकार से सूर्य के ऊर्जा द्वारा अर्थात सोलर ऊर्जा द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लाभ हानि भी होंगे, है ना, हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, यदि लाभ होगा तो हानि जरूर होगा, यदि हानि होगा तो कुछ ना कुछ उसमें लाभ जरूर होगा। ऐसा नहीं है किसी में सारे के सारे अवगुण हो, या फिर ऐसा भी नहीं है किसी में सारे के सारे गुण ही हो, अच्छाई ही हो, है ना। तो देखते हैं लाभ क्या है, एडवांटेज, यह ऊर्जा बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा में हमको क्या पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है, जब सूर्य देव आएंगे तो हम लोग आसानी से अपना ले लेंगे कलेक्ट करके और बना लेंगे। दूसरी चीज क्या है, इस प्रकार से ऊर्जा को प्राप्त करने में बहुत ही कम कास्ट लगता है, पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा। दूसरी चीज क्या है, इसको आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है कि नहीं, जहां पे प्रकाश हर जगह उपस्थित है तो आप कहीं भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। चौथा क्या है, इस प्रकार की ऊर्जा को आसानी से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये सब लाभ है। तो इसके हानि भी होंगे कुछ, तो हानि जैसे देख लेते हैं। पहला है हानि में, सौर ऊर्जा को केवल दिन में ही प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, जब सूर्यदेव रहेंगे तभी तो सूर्य द्वारा जो प्रकाश फैलेगा, फोटॉन के बंडल आएंगे, किरण आएंगी, तभी तो ऊर्जा प्राप्त होगी। अब कहो आप रात को बनाना चाहो तो क्या होगा, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो ये घाटा है ना। दूसरी चीज क्या है, यदि बारिश हो रही है या बदली है तब पर भी सूर्य का प्रकाश आपको नहीं मिलेगा, तो उसके द्वारा भी एनर्जी आप कन्वर्ट विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल सकते, तो ये क्या है, ये हानि है ना। दूसरी चीज तीसरा देख लेते हैं, इसको उत्पन्न करने के लिए कैपिटल कॉस्ट अधिक लगता है, मतलब एक बार इसको स्थापित करने में ही क्या लगता है आपसे, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन बाद में इसका ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस बहुत कम होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसके लाभ हानि और सौर ऊर्जा इस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। आप लोग सौर ऊर्जा के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, लेकिन आपके पेपर में जरूर रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसी क्रम में अगर अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं तो पवन ऊर्जा है ना, वाइंड एनर्जी, जो पवन मतलब हवा, हवा के द्वारा जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा हम लोग देखेंगे। तो पवन द्वारा ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं वायु क्या होता है, बहुत तीव्र गति से चलता है,
तो पवन चक्की का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, या फिर फैन लगा रहता है जहां पे नदी का किनारा उनारा रहता है वहां पे, आप देखेंगे हवा बहुत तीव्र गति से लगता है ना, आप लोग को गर्मी के एहसास होता है, तो ये कहते हैं खुले स्थानों पे चलो तो वहां पे हवा अच्छा लगता है। तो नदी के किनारे आप देखे होंगे बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं जिसमें फैन लगे रहते हैं, है ना, उसको हवा जब मारेगा तो वो घूमेगा तो उसके द्वारा क्या करेंगे हम लोग, अपना जो है उसमें लगाए रहेंगे, जैसा कि यहाँ फिगर दिख रहा है आपको, है ना, वायु इस पंखे पे मारेगा तो पंखा क्या होगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, और जब पंखा घूमेगा तो क्या होगा, उसके द्वारा हम लोग जो टरबाइन रहती है उसको सेट किए रहेंगे उसी में, तो उसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगा, तो टरबाइन के द्वारा अल्टरनेटर जो उसमें जनरेटर लगा रहता है उसमें हम लोग बियरिंग के द्वारा फिट किए रहेंगे, वह भी क्या होगा, घूमेगा, और जब जनरेटर घूम गया तो फ्लक्स कट होगा, और फ्लक्स कट होगा तो फैराडे के नियमानुसार क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण एक करंट उत्पन्न होगा और वह विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। पवन ऊर्जा द्वारा कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विद्युत को, बिजली को, इसको देखिए आप, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, समझिए आप लोग क्या है, वायु है ना लगा हुआ है, टावर्स लगे हुए हैं जिसमें फैन लगा रहता है, तो यह फैन जब घूमेगा तो इसी से ये कनेक्टेड है ना, तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो यह बियरिंग के द्वारा अल्टरनेटर से भी क्या है, कनेक्ट है, जब अल्टरनेटर घूमेगा तो उसमें जो है जो चुंबक लगे होंगे है ना लगे रहते हैं, तो उसके फ्लक्स को कंडक्टर जो उसमें लगा रहता है, बाइंडिंग लगा रहता है, वो क्या करेगा, कट करेगा, और जब फ्लक्स कट होगा तो फैराडे के नियमानुसार एक ईएम या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा अर्थात जिसे हम लोग क्या कहते हैं वोल्टेज, वह उत्पन्न हो जाएगा तो उसके द्वारा फिर क्या होगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या हो गया, शक्ति उत्पन्न हो गई, तो उस विद्युत शक्ति को हम लोग अपना बैटरी में संचित कर लो या फिर सप्लाई कर दो, अपना आराम से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से पवन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसा कि यहाँ पे यही सब मतलब डिस्क्रिप्टिव में लिखा गया है ना। सबसे पहला प्लांट यह कहाँ बैठा गया था, अमेरिका में। पवन ऊर्जा द्वारा जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा, उसको सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, अमेरिका में, जो कि 1250 किलोवाट का बनाया गया था, है ना, उसी के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिया गया है। जो हमने आपको समझाया, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आपको जो हमने इसकी कार्यविधि समझाई अभी ना, वही आपको लिख देना है, ठीक है, इसकी कार्यविधि उसी प्रकार क्या करना है, लिख देना है। अब बात आती है इसके भी लाभ हानि होंगे, है कि नहीं। तो लाभ इसके ये है कि जितने लाभ आपको उसमें लिखाए गए हैं उतने लाभ इसमें भी हैं, लगभग क्या होता है, यह भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला मुफ्त का है ऊर्जा, है कि नहीं, पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या है, इसको भी प्राप्त करने में कॉस्ट जो लगता है क्या लगता है, बहुत कम लगता है, इसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, ये लाभ है इसके, है ना। और अब बात कर लेते हैं हानि की। हानि ये होगी कि जब हवा चलेगा तभी इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, बारिश हो रही है या फिर हवा नहीं चल रहा है, मौसम खराब है, तो इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा नहीं उत्पन्न की जा सकती। तीसरा हानि क्या है, इसमें कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है, इसको स्थापित करने में ही पैसा क्या होगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, इसके बाद क्या होगा, कम लगने लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, लाभ हानि भी हमने समझा दिया। इस प्रकार से पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा दोनों हमने आपका आज का टॉपिक कवर किया है, तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, और आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।